महाराष्ट्र के उत्तरी भाग में बसा जलगांव, ये जिला केला, कपास तथा गन्ने का एक महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र रहा है। ये भारत का सबसे बड़ा केला उत्पादक जिला कहलाता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सफल नेतृत्व में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के कार्यकुशल मार्गदर्शन में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड तथा केंद्रीय सड़क निधि द्वारा कुल 6 सड़क परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हुआ है। 199 किलोमीटर लंबाई वाली और 2153 करोड़ रुपए निवेश मूल्य की इन सड़क परियोजनाओं का आज केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी द्वारा राष्ट्र के प्रति समर्पण होने जा रहा है। इसी के साथ केंद्रीय सड़क निधि द्वारा 68.15 किलोमीटर लंबाई वाली और 70.15 करोड़ रुपए निवेश मूल्य की 9 परियोजनाओं का मंत्री जी के कर कमलों द्वारा शिलान्यास होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा परिचालित नेशनल हाईवे 6 या नए नेशनल हाईवे 53 पर चिखली से तरसोद सड़क का पैकेज 2A तहत 4 लेन का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिससे गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा, इन 4 राज्यों की कनेक्टिविटी बढ़ने में मदद मिलेगी। कुल 62.7 किलोमीटर लंबाई तथा 1427 करोड़ रुपए लागत मूल्य की इस परियोजना में 3 मेजर ब्रिज, 18 माइनर ब्रिज, 4 आरओबी, 9 व्हीकल अंडरपास, 9 पब्लिक अंडरपास तथा हाईवे के दोनों तरफ 34 किलोमीटर लंबाई वाले सर्विस रोड का निर्माण किया गया है। 4 लेन करने से प्रमुख शहर जैसे मुक्ताई नगर, वरणगांव, नशीराबाद और जलगांव में ट्रैफिक जाम की त्रासदी से छुटकारा मिलेगा तथा ईंधन और समय की बचत होगी। यहाँ के धार्मिक स्थल जैसे मुक्ताई मंदिर, चांगदेव मंदिर और तरसोद गणपति मंदिर का दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के यातायात में सुलभता आएगी। इसी प्राधिकरण द्वारा जलगांव शहर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 53 का सुधार तथा कलिंगा माता मंदिर के खोटे नगर तक की सड़क को 4 लेन करने का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। कुल 7.75 किलोमीटर लंबी तथा 62 करोड़ रुपए लागत मूल्य की इस परियोजना में 1 माइनर ब्रिज, 3 व्हीकल अंडरपास, 1 पब्लिक पेडेस्ट्रियन अंडरपास तथा 3 रोटरी का निर्माण किया गया है। इस परियोजना से जलगांव शहर में ट्रैफिक जाम से तथा दुर्घटनाओं से राहत मिलेगी। प्रभात चौक, गुजरात पेट्रोल पंप, दादावाड़ी तथा अग्रवाल चौक, इन जगहों से नेशनल हाईवे पर क्रॉसिंग करना आसान होगा। राष्ट्रीय महामार्ग लोक निर्माण विभाग की ओर से पैकेज 2 के अंतर्गत कुल 46.8 किलोमीटर लंबाई तथा 210 करोड़ रुपए लागत मूल्य के भड़गांव चालीसगांव 2 लेन सड़क का पेव्ड शोल्डर के साथ उन्नयन भी हो चुका है। इस परियोजना में 2 मेजर ब्रिज, 26 माइनर ब्रिज, 1 पब्लिक अंडरपास तथा 69 बॉक्स तथा पाइप कलवर्ट का निर्माण किया गया है। सीमेंट कंक्रीट से बनी इस सड़क से गड्ढों की समस्या से राहत मिलेगी। MSRDC की ओर से नेशनल हाईवे 753L पर सेक्शन 8 अंतर्गत पहुर, जामनेर, बोधवड़, इस 45 किलोमीटर लंबी सड़क के पुनर्वास तथा उन्नयन का कार्य भी संपन्न हुआ है। कुल 245 करोड़ रुपए लागत मूल्य की इस परियोजना में 2 मेजर ब्रिज, 7 माइनर ब्रिज, 15 बॉक्स कलवर्ट का निर्माण किया गया है। पेव्ड शोल्डर समेत 2 लेन होने से पहुर, जामनेर, बोधवड़, मुक्ताई नगर एवं बुरहानपुर, इन शहरों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसी हाईवे पर सेक्शन 2 के अंतर्गत बोधवड़, मुक्ताई नगर, बुरहानपुर, इस 33 किलोमीटर लंबी सड़क का पेव्ड शोल्डर समेत 2 लेन के पुनर्वास और उन्नयन का कार्य भी पूरा हुआ है। कुल 178 करोड़ रुपए लागत मूल्य की इस परियोजना में 3 माइनर ब्रिज, 57 बॉक्स कलवर्ट का निर्माण किया गया है। इन परियोजनाओं से मध्य प्रदेश के इंदौर तथा महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहरों की कनेक्टिविटी में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सुधार होगा। केंद्रीय सड़क निधि की ओर से स्टेट हाईवे 15 पर अमलनेर से चोपड़ा तक के सेक्शन में 1 आरओबी तथा 1 व्हीकल अंडरपास के पुनर्वास तथा निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। 3 किलोमीटर लंबाई तथा 31 करोड़ रुपए लागत की इस परियोजना से यात्रियों को रेलवे क्रॉसिंग में आसानी होगी और चोपड़ा से अमलनेर यह रेल का सफर क्रॉसिंग गेट पर बिना रुके हो सकेगा, जिससे यात्रियों का समय बचेगा। आज शिलान्यास होने वाली केंद्रीय सड़क निधि द्वारा परिचालित परियोजनाओं से नजदीकी ग्रामों की कनेक्टिविटी में सुधार आएगा तथा पुलों के निर्माण से लोगों का सफर शीघ्र और सुरक्षित होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के मंत्रालय द्वारा परिचालित इन परियोजनाओं का सीधा फायदा जलगांव जिले के विकास को मजबूती देने में होगा। लोगों की आपसी पहुंच मजबूत होगी, जिससे सामाजिक, आर्थिक और तमाम मसले को समृद्धि मिल सकेगी।
इन परियोजनाओं से स्थानीय क्षेत्र को देश के मुख्य प्रवाह में आने में मदद मिलेगी।